हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकस गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड मैंने देखो दीवार पे हैंग कर रखे हैं, कम जगह कम मिट्टी और बहुत अच्छे पौधे हैं जो मैंने हैंग कर रखे हैं। आसानी से ग्रो हो जाते हैं छोटे प्लांटर में। ये मनी प्लांट जो मैंने एक कंटेनर में लगा रखा है पानी में, और ये मैंने हैंग कर रखा है बोतल में मनी प्लांट। अगर हमारे पास जगह की कमी होती है तो हमें अपनी दीवार पे ही कील वगैरह गाड़ के वहाँ पे हैंग कर सकते हैं, या एक लंबी सी स्टिक लेके उसमें बांध के हैंग कर दो तो हमारे बहुत सारे छोटी छोटी बोतलों में पौधे लग जाते हैं। ये देखो पर्पल हार्ट, ये भी बहुत अच्छा चल जाता है, और ये भी मैंने दीवार पे ही हैंग कर रखा है। कम मिट्टी कम जगह कम देखभाल, तो आप अपने गार्डन में इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे कहीं पे स्पेस कम होता है तो आप इस तरह से लगाएं छोटे छोटे प्लांटरों में, और ये छोटे, इनकी रूट इतनी बड़ी नहीं होती है, जड़ें बहुत छोटी हैं इनकी, तो बहुत आसानी से चल जाते हैं। ये वेंड्रिंग जू, और ये मैक्सिकन पिटूनिया, ये देखो बहुत अच्छे हैं, और इनकी पत्तियों का कलर कितना प्यारा है वेंड्रिंग जू का, और ये मैंने इस पर हैंग कर रखा है। तो अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो इस तरह से लगाएं और अपने शौक को पूरा करें। ऐसे नहीं होता कि हमारे पास जगह की बहुत सारी जगह नहीं है तो हम पेड़ पौधे ना लगाएं। ऐसी छोटी छोटी पेप्सी की बोतलों में, तेल की बोतलों में, जो भी हमारे घर से वेस्ट निकलता है, तो आप बिना पेंट किए भी ऐसे हैंग कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी मिट्टी आती है इनमें और अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये लाल बादशाह, ये भी देखो मैंने छोटी सी बोतल में ही लगा रखा है, और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। और ये इतनी केयर भी नहीं मांगते हैं, और इनकी ज़्यादा देखभाल की भी इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। बस ये देखते रहें कि बस पानी वगैरह ना ऐसा सूख जाए जिससे हमारा पौधा, डालते रहें पानी को। और देखो ये मनी प्लांट, ये भी एक छोटी सी बोतल में हैंग कर रखा है मैंने, और ये बहुत ऊंची जाके लगी हुई है, बहुत लंबी इसकी शाखाएं हो गई हैं मनी प्लांट की, ये रहा, और ये भी छोटी सी बोतल में ही लगा रखा है। तो आप अपनी दीवार, कोई भी दीवार पे ऐसे पौधे लगा सकते हैं छोटी छोटी बोतलों में। ये फॉर्चुला, ये कटिंग से लग जाते हैं सभी पौधे, और इनको इतना केयर नहीं चाहते, बस दो एक महीने में इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें थोड़ा थोड़ा सा। मैं तो इनमें बरसात के दिन में भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये दीवार पे हैंग हो रहे हैं और यहाँ इस पर बारिश नहीं आती है, तो मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बारिश के दिनों में भी डाल देती हूँ। और जैसे कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है उस दीवार पे तो नहीं डालना चाहिए लिक्विड में, क्योंकि हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एक तो लगातार बारिश रहती है और ऊपर से हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ज़्यादा गीला रहता है, इसलिए उसकी जड़ें ख़राब होने का डर रहता है। ये मैंने मधुमालती के नीचे मनी प्लांट टांगा हुआ है फ्रेंड, और ये छोटे छोटे कंटेनर में ही लगा के मैंने हैंग किया हुआ है, और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। खासकर मुझे मनी प्लांट बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है ये, और ये इतनी केयर भी नहीं मांगता है। और ये देखो बहुत लंबा इसकी शाखाएं हो गई है मनी प्लांट की, ये बिल्कुल ज़मीन से टच हो रहा है, कम 6-7 फीट लंबा है ये। और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, तो आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं, और इसको इतनी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जगह की, बस थोड़ी सी जगह में ही हैंग हो जाता है। और ये वेंडिंग जो मैंने एक, आप बताना इस टोकरी को क्या क्या कहते हैं, मेरे यहाँ जो कहते हैं मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी, गाँव की तरफ जो बोलते हैं, वैसे तो टोकरी बोल देते हैं। और ये स्पाइडर प्लांट,
ये भी मैंने हैंग किया हुआ है, ये भी मधुमालती के नीचे ही हैंग कर रखा है मैंने। और देखो ये एक और ये दूसरा वाला मनी प्लांट है, यानी कि वहीं पे हैंग किया हुआ है। देखो ये बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है ये। तो आप इस तरह से कम जगह में भी ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। और ये एक तरीके का हमारे घर से वैश मटेरियल निकलता ही रहता है, जिसे हम गार्डन में इस तरह से यूज कर सकते हैं। और ये भी एक छोटे से पॉट में लगा रखा है मनी प्लांट। ये पर्पल हार्ट, ये भी मैंने हैंग किया हुआ है। इनकी पत्तियों का कलर बहुत प्यारा है पर्पल हार्ट का। और ये मैंने जो हमारे जीना लगा हुआ है लोहे का, उससे मैंने हैंग किए हुए हैं। ये लाल बादशाह दीवार पे ही हैंग कर रखा है। तो फ्रेंड इस अगर जगह की कमी है तो दीवार पे ही हैंग कर दीजिए। ये इस तरह से देखो मैंने अपनी पूरी दीवार को इस तरह से पौधों से सजा रखा है। ये जेट प्लांट, स्वीट पोटैटो वाइन, ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस तरह से गार्डनिंग करिए। थैंक यू।